नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नवरात्रे आज से चालू हो गए हैं, मंदिरों में भीड़ लग रही है। दिल्ली के बड़े मंदिरों में शामिल झंडे वाला मंदिर, जहां लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है। हमारे साथ मंदिर के संचालक रविंद्र जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस नवरात्रे में इस बार व्यवस्था की गई है। सर, अब की बार क्या व्यवस्था? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। मंदिर में कोरोना काल के चलते हुए जो भी दिशा निर्देश हैं, भक्तों की आस्था को देखते हुए और भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए हमने उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की हैं। बाहर से 3 पंक्तियों में भक्त लोग आते हैं, वहां पर उनके मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वो आगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने निशान लगा रखे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। मंदिर के द्वार पर जब वो आएंगे, यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, सैनिटाइजेशन होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद वही डिस्टेंस के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। किसी प्रकार की प्रसाद या कोई भेंट चढ़ाने की बिल्कुल मनाही है, कोई प्रसाद वगैरह मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। भक्त दर्शन करके जब बाहर जाएंगे, वहाँ उनको मंदिर की ओर से प्रसाद दिया जाएगा। भीड़ अधिक ना हो, क्योंकि झंडे वाला मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, लाखों लोग यहाँ पर नवरात्रों में आते हैं। इन दिनों यदि इतने लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था करना वो बड़ा कठिन काम होगा। तो हमने एक नया प्रयोग किया है, मंदिर के 8 रथ हमने तैयार किए हैं माता के स्वरूप के, और वो हर रोज़ दिल्ली के 31 जो स्थान हमने तय किए हैं वहाँ पर वो जाएंगे। ये सभी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर आबादी घनी है, और वहाँ पर ही लोग इनके दर्शन करेंगे। माता स्वयं उनके द्वार पर जा रही है, लोग भी बड़े उत्साहित हैं कि यहीं पर माता आ रही है, और वहीं पर ही वो दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। आज सवेरे 10 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल उनके विधिवत पूजा करके उन रथों को अपने अपने स्थान पर रवाना करेंगे। इसके बाद से प्रातः 6 बजे से यहाँ से वो रथ चलेंगे और रात को सब वापस आ जाएंगे। हर रोज़ कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर होंगे, उनका पूजन करके उनको रवाना करने के लिए, तो ऐसी हमने व्यवस्था की है। इन रथों की व्यवस्था क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि किस जगह कौन सा रथ कब? वो हमने सभी जगह निर्धारित कर दिए हैं, वहाँ पर बैनर वगैरह लगे हैं, क्षेत्र के लोगों को बता दिया गया है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता भी होंगे और स्थानीय लोग भी होंगे, वो उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, और बड़े उत्साहित हैं लोग। मैं कल सारी दिल्ली में घूमकर आया हूँ, जहाँ जहाँ वो स्पॉट थे बहुत उत्साहित हैं, वो कह रहे हैं जी हम उसका बड़े ज़ोरदार ढंग से स्वागत करेंगे, और हम माता स्वयं हमारे द्वार आ रही है, इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य होगा। तो हमारे लिए भी एक पहली बार हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि ये सफल होता है तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा एक वो होगा, एक संतोष का विषय होगा कि हमने माता को लोगों के घर तक ही वहाँ पर पहुँचाया। माता के जो श्रद्धालु हैं उनको क्या संदेश देना? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सारी दिल्ली में हमारे रथ जा रहे हैं, वहाँ पर जो जिसके निकट हो वहाँ पर दर्शन करें, और जो मंदिर आते हैं भक्त, वो जो व्यवस्था हमने की है कोरोना काल के अंतर्गत, जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं उनके अनुसार वो हमारे उनका पालन करें और हमें सहयोग करें और सुरक्षित माता के दर्शन करें। जय माता की। मंदिर में आए हो आप, कोरोना काल में कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोरोना काल में इतना अच्छा लग रहा है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हम चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जल्दी कोरोना ख़त्म होगा तो हम जल्दी आएंगे मास्क हटा के। यहाँ पर आने का एक प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में आपको पता है? हम अपनी श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा के लिए कि हम यही चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाए और हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। मंदिर में आए हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मंदिर में आने का ये जो कोरोना में जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मंदिर में आज कोरोना मतलब कोरोना में आज ये पहला नवरात्र है। हाँ जी, आज जो है कि प्रथम शैलपुत्री का माँ शैलपुत्री का दिन है आज, और महा शैलपुत्री के रूप में आज माँ झंडे वाली मंदिर में पूजन अर्चन हुई है,
और जो है कि मंदिर व्यवस्थापन समिति की ओर से ये महामारी को देखते हुए, जैसे बाहर से जो लोग भक्त आ रहे हैं उनका सैनिटाइज करना, जो बुजुर्ग हैं, जो रोगी हैं, जो बीमारी हैं उनके लिए प्रवेश निषेध है, बच्चों के लिए निषेध है, और यहाँ भी जो है कि सोशल डिस्टेंस के साथ जो है कि दर्शन की व्यवस्था है। और पहले पहले नवरात्रों में भक्त लोग पूरे मंदिर में रहते थे, अपना पूजा पाठ सब कुछ करते थे, लेकिन इस महामारी के चलते मंदिर व्यवस्थापन समिति की ओर से जो है कि दर्शन करते ही लोग बाहर निकल जाएं, ये व्यवस्था की गई है। पुनी जी, अगर कोई प्रसाद लेकर के आएगा तब क्या? हाँ, तो वही महामारी को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से जैसे प्रसाद, चुन्नी, माला, वो सारा यहाँ जो है कि अर्पण करने चढ़ाने का जो है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो महामारी को देखते हुए। तो कोई प्रसाद पहले ही लोगों को पता है कि भाई प्रसाद नहीं चढ़ रहा करके, तो लोग प्राय लाते ही नहीं प्रसाद अभी। और यहाँ से प्रसाद मिलने की क्या व्यवस्था है? हाँ, प्रसाद मिलने की बाहर व्यवस्था हो, शायद होना चाहिए बाहर व्यवस्था। धन्यवाद।